जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से और 4 दिन के बाद इंस्टॉलमेंट आने वाला है, लेकिन इस राशि पर बहुत सारे किसानों का अलग अलग अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों इसी वीडियो के मदद से हम जानेंगे जिन लाभार्थियों का एफटीओ प्रोसेस नो आ रहा है और यस आ रहा है, उन सभी लाभार्थियों को पैसा कब मिलेगा, एफटीओ नो और यस का मतलब क्या होता है, और आरएफटी सिग्नेन बाय इंस्टॉलमेंट, जिन लाभार्थियों का आरएफटी सिग्नेन बाय स्टेट आ रहा है उन सभी लाभार्थियों को पैसा मिलेगा कि नहीं, आरएफटी सिग्नेन बाय स्टेट का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे जिन लाभार्थियों का एफटीओ की जगह एफटीओ एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग आ रहा है, यानी कि एक्नॉलेज पेंडिंग आ रहे, उन सभी लाभार्थियों को पैसा कब मिलेगा, और दोस्तों एफटीओ विल बी जनरेट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ये सभी जानकारियां हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपका भी इस राश पर इसी तरह अपडेट आए तो दोस्तों वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जिन लाभार्थियों का इस राश पर एफटीओ प्रोसेस नो आ रहे उन सभी लाभार्थियों को पैसा कब तक मिलेगा या मिलेगा कि नहीं। देखिए एफटीओ प्रोसेस नो अगर आपका अभी भी दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आपको पैसा मिलेगा, एफटीओ ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। एफटीओ ट्रांसफर होने में इतना टाइम नहीं लगता है, 1 दिन काफ़ी है, यानी कि 24 घंटा काफ़ी है एफटीओ यस होने के लिए। अगर आपका अभी भी एफटीओ यस नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको घबराने का बात नहीं है। एफटीओ का फुल मीनिंग होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। अगर आपका एफटीओ यस हो जाता है इसका मतलब आपका फंड भी ऑर्डर हो चुका है लेकिन आपका पैसा अभी तक खाता पर नहीं आया है। और जिन लाभार्थियों का एफटीओ प्रोसेस यस हो चुका है तो दोस्तों एफटीओ प्रोसेस यस होने के बाद इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको पक्का पैसा मिलेगा। एफटीओ प्रोसेस यस होने के बाद भी आपका पैसा ट्रांजेक्शन फेल हो सकते हैं, क्योंकि एफटीओ की वजह से तो आपका पैसा फंड ऑर्डर हो चुका है लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट पर एनपीसीआई यानी कि डीबीटी पर एक्टिव नहीं होगा तो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं आरएफटी सिग्नेन बाय इंस्टॉलमेंट यानी कि आरएफटी सिग्नेन बाय स्टेट। जिन लाभार्थियों का आरएफटी अपडेट हुआ है, दोस्तों आरएफटी का मतलब होता है रिफंड फंड ट्रांसफर। अगर आपका आरएफटी आ चुका है तो दोस्तों आपका केंद्र सरकार से वेरिफिकेशन चल रहा है, यानी कि वेरिफिकेशन होने वाला है, यानी कि हो चुका है। आरएफटी आने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आरएफटी आने के बाद भी आपका पैसा रुक सकता है। आपका पैसा तो मिलेगा लेकिन एनपीसीआई डीबीटी यानी कि अपने सही बैंक अकाउंट पर आधार लिंक नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं भी आ सकते। अगर आपका नया नया आरएफटी अपडेट हुआ इस राशि पर तो आपको 5 अक्टूबर की डेट पर पैसा मिल जाएगा। अभी हम जानते हैं कि एफटीओ विल बी जनरेट। तो दोस्तों एफटीओ विल बी जनरेट ये अलग पार्ट है और जिन लाभार्थियों का एफटीओ विल बी जनरेट आफ्टर रिजेक्शन कार्यशन आ रहा है ये अलग पार्ट है। जिन लाभार्थियों का एफटीओ विल बी जनरेट आ रहे उन सभी लाभार्थियों का इतना टेंशन नहीं है, आपका एफटीओ यस होने वाला है। और जिन लाभार्थियों का एफटीओ विल बी जनरेट आफ्टर रिजेक्शन कार्यशन आ रहे, मतलब आपका एफटीओ विल बी जनरेट एफटीओ यस होने के लिए आपको थोड़ा करेक्शन करना होगा, यानी कि आपका इस राशि पर रिजेक्शन का भी अपडेट आ सकते हैं। आपका सब कुछ सही होगा तो आपको एफटीओ यस हो जाएगा, लेकिन आपका सब कुछ सही नहीं पाया जाएगा तो आपका रिजेक्शन करेक्शन आ सकते हैं। इसके वजह से आपको पैसा नहीं आएगा इसका मतलब ये नहीं होता है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस पर अकाउंट होगा, सही बैंक अकाउंट से आधार लिंक है तो दोस्तों आपको पैसा आ जाएगा। आपका रिजेक्शन करेक्शन एफटीओ विल बी जनरेट इतने ई आने के बाद आप सभी को घबराने का बात नहीं है। उसके बाद आ रहा है कि एफटीओ एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग। देखिए एफटीओ एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग ये भी एफटीओ का एक पार्ट होता है। एफटीओ एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग आने के बाद भी आपको घबराने का नहीं है। अगर आपका सब कुछ सही है दोस्तों आपको 100% पैसा मिलेगा। आई बटन पर मैंने एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां पर मैंने A to Z वेरिफिकेशन करके सभी किसानों को दिखाया था। अगर आपको सब कुछ सही है तो दोस्तों आपको 100% पैसा मिलेगा। एफटीओ विल बी जनरेट आ रहे, एफटीओ एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग आ रहे, एफटीओ जनरेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन कलेक्शन आ रहे, ऐसा सब अगर आपका स्टेटस पर लिखा रहे तो दोस्तों आपको घबराने का कोई सवाल नहीं होता है। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जिन लाभार्थियों का स्टेटस पर नया नया अपडेट आ रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आरएफटी एफटीओ विल बी जनरेट, तो दोस्तों सभी लाभार्थियों का खाता पर 5 अक्टूबर की डेट पर पैसा जमा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट डाल दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।